Assalamualaikum, welcome back to my channel. उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो स्नैपचैट के वेरीफाइड क्रिएटर और इसके अलावा नॉन वेरीफाइड क्रिएटर होते हैं, क्या वो हर मंथ अर्निंग करते हैं स्नैपचैट से या उनको कभी कभी अर्निंग होती है. जितनी भी अर्निंग होती है, जितने भी क्रिएटर अब तक मुझसे कॉन्टेक्ट में थे, तो मैं सबकी डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में आज शेयर करूंगी. तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को. तो गाइज, ये हैं आरोही खुराना, ये हैं वेरीफाइड क्रिएटर. 6 मंथ पहले इनके स्नैपचैट में क्रिस्टल का टैप तो आ गया था, लेकिन इनको 6 महीने बाद क्रिस्टल मिले हैं, वो भी 15 अगस्त 2022 को. स्टिल अभी तक पेंडिंग में है, ना इनके पास ईमेल आई है पे आउट पोर्टल एक्टिवेट करने की, और वो भी सिर्फ 3000 इनको क्रिस्टल मिले हैं. अगर ये वेरीफाइड हैं, इनके ना वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है, मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर ली हैं, बस इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये वेरीफाइड हैं तो ये हर मंथ अर्निंग करते हैं. अब चल लेते हैं नेक्स्ट की तरफ. सो गाइज, ये भी वेरीफाइड क्रिएटर हैं, लेकिन ये सऊदी अरब से हैं. इनकी वीडियो मिलियन व्यूज़ क्रॉस करती है, हर वीडियो इवन की 2-2, 3-3 मिलियन व्यूज़ क्रॉस करती है. आप ये इनकी स्नैपचैट की अर्निंग भी देख सकते हैं. दिसंबर से मार्च तक इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग हुई है, लेकिन मार्च के बाद से अब तक सितंबर तक इनके पास और ज़्यादा कोई क्रिस्टल नहीं आए हैं. तो ये हर महीने अर्निंग नहीं होती. जिस महीने में स्पेसिफिक वीडियो ज़्यादा वायरल होंगी, उसमें आपको उसके मुताबिक क्रिस्टल भी मिलेंगे. ये भी ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हैं, इरफान शेख. इनकी भी आप देख सकते हैं, जुलाई और अगस्त के महीने में ही सिर्फ अर्निंग हुई है. इसके अलावा अब भी इनकी वीडियो वायरल जा रही हैं, बट अभी तक इनके पास और क्रिस्टल नहीं आए हैं. ये भी आतिक पठान, ये भी ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हैं. इनके पास भी जून के महीने में ही क्रिस्टल अच्छे खासे आए हैं. उसके बाद अब इनको मिले हैं कि नहीं, इसका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है. ये भी एक क्रिएटर हैं. अब ये ओरिजिनल नॉन ओरिजिनल वीडियो दोनों ही अपलोड करते हैं, इनकी प्रोफाइल से लग रहा है. तो इनकी एक वीडियो ही 8 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गई थी, तो एक ही वीडियो ने छक्का मार दिया, तो उनको ये क्रिस्टल मिल गए थे. ये अप्रैल के महीने में ही इनको मिल गए थे. उसके बाद अब तक मिले हैं कि नहीं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है. ये भी ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हैं, आशीर फलक. इनके भी आप देख सकते हैं, जुलाई में इनकी 3 टाइम अर्निंग हुई है, इनके अच्छे खासे इनको क्रिस्टल मिले हैं. ये भी ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हैं, SRJ लाइफस्टाइल. इनकी स्टार्टिंग में ही अर्निंग हुई थी फेब में, मार्च में, तो इनको जो क्रिस्टल मिले थे वो कोई $5,000 बन रहे थे. ये भी गगन वर्मा हैं. इनका अपना ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता. ये जो आप बच्ची देख रहे हैं, इसका एक अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, ये वहाँ से लेकर वीडियो अपलोड करते हैं. इनकी ये जो अर्निंग आप सारी देख रहे हैं, ये नॉन ओरिजिनल कंटेंट की वजह से हुई है. के अलावा बहुत ज़्यादा ऐसे क्रिएटर हैं जिनकी 4-4, 5-5 मरतबा अर्निंग हुई है, लेकिन मेरे पास इतने ज़्यादा मैसेजेस होते हैं कि मैं वो निकाल ही नहीं सकी उनके स्क्रीनशॉट. ये जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये हाईएस्ट अमाउंट वाले क्रिएटर थे, इसलिए मैंने सोचा मैं ये आपके साथ शेयर कर दूँ. जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक, जो कि नॉन वेरीफाइड क्रिएटर हैं, उनकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा होती है एक वेरीफाइड क्रिएटर से. Guys, if you like my video, so don't forget to subscribe my channel. इस तरह की और भी interesting video मैं आपके लिए और भी लेकर आऊंगी. इस video में सिर्फ इतना ही. बहुत जल्द मिलूंगी आपके साथ एक नई video में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.